अगली खबर आ रही है भोपाल से, जहां एमपी नगर इलाके के कोरियोग्राफर की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह नशे की हालत में बाइक ड्राइव कर रहा था। 7 नवंबर स्टॉप के पास वह पहुंचा ही था कि उसकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कोरियोग्राफर का सिर बिजली पोल से टकरा गया। हेलमेट नहीं पहने होने की वजह से उसको सिर में गंभीर चोट लगी। हादसे में उसकी मौत भी हो गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि कोरियोग्राफर बीआरपी कर ड्राइव कर रहा था। दोस्तों ने उसे गाड़ी ड्राइव करने से मना भी किया, लेकिन वह नहीं माना। इस पर दोस्त उसकी बाइक से रास्ते में ही उतर गया। थोड़ी देर बाद उसे कोरियोग्राफर की मौत की खबर मिली। एएसआई आनंद सिंह ने बताया, छावनी शाहपुरा ग्वाल नगर शिव मंदिर के पास रहने वाला मोहित यादव पिता बाबूलाल यादव कोरियोग्राफर था। बुधवार रात करीब 12:30 बजे अपने दोस्त करण के साथ बियर पीने के बाद होटल रेसिडेंसी से खाना पैक कराकर घर के लिए निकला। ज्योति चौराहे के पास पहुंचा ही था कि करण ने मोहित से कहा कि तुम गाड़ी तेज चला रहे हो, तुमसे गाड़ी नहीं चल रही है, मुझे चलाने को दो। मोहित ने करण की बात नहीं मानी, जिस पर ज्योति चौराहे पर गाड़ी से उतर गया। मोहित गाड़ी लेकर घर के लिए निकला। वह सागर गैरे के पास पहुंचा ही था कि उसकी गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। मोहित का सिर खंभे से टकरा गया। वह हेलमेट नहीं पहना था, इसकी वजह से वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचने के पहले ही उसकी मौत हो गई थी। टीआईएमपी नगर सुधीर अरजिया ने बताया कि हादसे के वक्त गाड़ी की रफ्तार अधिक थी। इसका अंदाजा गाड़ी के क्षतिग्रस्त होने से लगाया जा सकता है। गाड़ी के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए हैं। यही वजह रही कि मोहित की मौके पर मौत हो गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि नशे में बाइक चलाने की वजह से यह हादसा हुआ। मोहित के पिता हकीम होटल में काम करते हैं।